दोस्तों, स्मार्टफोन हम सभी यूज करते हैं और स्मार्टफोन के डिस्प्ले का टूटना आज एक बहुत ही आम बात है। आज 25% ऐसे यूजर हैं जो कि टूटे हुए डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। मोबाइल फोन कंपनियां जितनी भी हैं आज इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यूज करती हैं गोरिल्ला ग्लास या फिर ड्रैगन टेल ग्लास का प्रोटेक्शन, लेकिन इसके बाद भी हमारा डिस्प्ले टूटता है। अगर आप भी किसी ऐसे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो या फिर आप जानना चाहते हो कि गोरिल्ला ग्लास आपके फोन के डिस्प्ले को किस हद तक बचा सकता है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाता हूँ सारे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल डिटेल में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहल, आप देख रहे हैं टेक्निकल जंक्शन। तो चलिए समझते हैं गोरिल्ला ग्लास को और ये भी जानते हैं कि आपके डिस्प्ले को कितना प्रोटेक्ट कर सकता है। दोस्तों, आप जो अभी फोन यूज कर रहे हो उसमें डिस्प्ले के ऊपर ग्लास की एक और प्रोटेक्शन होती है, उसको बोलते हैं गोरिल्ला ग्लास। ये आपके फोन की डिस्प्ले को टूटने से बचाता है। ये आपकी डिस्प्ले को कैसे बचाता है ये जानने से पहले आप ये जान लो कि गोरिल्ला ग्लास बनता कैसे है। आपका जो नॉर्मल ग्लास होता है वो ग्लास पे अगर आप थोड़ा सा भी प्रेशर डालो या फिर उसको थोड़े से ऊंचाई से गिराओ तो वो टूट जाती है, लेकिन गोरिल्ला ग्लास बनाने के लिए इन नॉर्मल ग्लास को मोल्टेन अल्कलाइन सॉल्ट में हाई टेम्परेचर पे डिप किया जाता है और उससे जब ये निकाले जाते हैं तो ये उससे ज्यादा हार्ड होते हैं, इसीलिए नॉर्मल ग्लास से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब इनकी स्ट्रांगनेस जानने से पहले आप दो वर्ड के बीच में डिफरेंस समझ लो। पहला वर्ड है स्क्रैच प्रूफ, दूसरा वर्ड है स्क्रैच रेसिस्टेंस। स्क्रैच प्रूफ का मतलब है कि जो भी मटेरियल, जो भी सब्सटेंस स्क्रैच प्रूफ है उस पे कभी भी किसी भी मटेरियल से स्क्रैच नहीं आएगा। दूसरा वर्ड है स्क्रैच रेसिस्टेंस, उसका मतलब ये है कि कुछ उनकी लिमिटेशंस हैं, कुछ चीजों से उस पर स्क्रैच नहीं आएगी, कोई ऐसी लिमिट है जहां तक उस पर स्क्रैच नहीं आएगी, बट उस लिमिट के बाद उस पर स्क्रैच आएगा। तो दोस्तों, गोरिल्ला ग्लास बनाने वाली कंपनी जो कि है कॉर्निंग और ड्रैगन टेल ग्लास बनाने वाली कंपनी जो कि असिहा, ये दोनों कभी नहीं बोलते कि उनका ग्लास स्क्रैच प्रूफ है। इन दोनों कंपनी का कहना है कि उनका ग्लास स्क्रैच रेसिस्टेंस है। दोस्तों, इससे आप ये तो समझ गए होंगे कि आपके फोन पे जो गोरिल्ला ग्लास लगा है उसमें भी स्क्रैच आ सकता है, वो भी टूट सकता है, बट इसकी स्क्रैच रेसिस्टिविटी कितनी है इसको समझने के लिए अभी जो आपके स्क्रीन पे पिक आ रहा है उसको आप समझिए। दोस्तों, ये है मो हार्डनेस स्केल। इसमें आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे जो कि होंगे 1 से 10 तक। उसके एक साइड में आपको कुछ मिनरल्स के नाम दिख रहे होंगे और दूसरे साइड आपको कुछ वैसे सामान दिख रहे होंगे जो कि आप नॉर्मल अपने घर में यूज करते हो। ये स्केल आपको किसी भी सब्सटेंस की हार्डनेस बताता है। मतलब मान लीजिए अगर कोई सब्सटेंस जिसका स्कोर इस स्केल पे है 5, तो उसका ये मतलब हुआ कि 5 से नीचे जिन भी मटेरियल्स का स्कोर होगा उनसे अगर आप उस पर स्क्रैच करोगे तो उस पर स्क्रैच नहीं आएगी, लेकिन वैसे जितने मटेरियल होंगे जिनका स्कोर 5 से ऊपर होगा अगर उससे आप उस पर स्क्रैच करोगे तो उस पर स्क्रैच आएगा। आप इसको एक एग्जांपल से समझ लो। मान लो मेरे पास दो मिनरल्स हैं, एक है डायमंड दूसरा है गोल्ड। डायमंड का स्कोर इस स्केल पे है 10 और गोल्ड का स्कोर इस स्केल पे है 2.5। तो ऐसे में अगर आप डायमंड से गोल्ड पे स्क्रैच करोगे तो उस पर स्क्रैच आएगी, क्योंकि डायमंड का स्कोर गोल्ड से ज्यादा है। और अगर आप गोल्ड से डायमंड पे स्क्रैच करोगे तो उस पर स्क्रैच नहीं पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड का स्कोर डायमंड से कम है। और ऐसे ही अभी जो आपके फोन के ऊपर गोरिल्ला ग्लास लगा है उसका स्कोर इस स्केल पे है 6.5 और जो आपका नॉर्मल हाउसहोल्ड का सामान है जैसे कि नाइफ हो गया, सिक्के हो गए, चाबियां हो गई, उनका स्कोर होता है 6.5 से कम। तो ऐसे में आपको उन सामान से आपके फोन पे कभी स्क्रैच नहीं आएगा, लेकिन जिन भी मटेरियल्स का स्कोर 6.5 से ऊपर होगा उनसे अगर आप स्क्रैच करोगे तो आपके स्क्रीन पे स्क्रैच आएगा। आप एग्जांपल के लिए सैंड ले लो, उसमें एक मिनरल होता है जिसको क्वार्ट्स बोलते हैं और उसकी जो स्कोर होती है इस स्केल पे वो होती है 8। तो ऐसे में अगर आप सैंड से अपने स्क्रीन के ऊपर स्क्रैच करोगे तो बहुत ही आसानी से उस पे स्क्रैच आ जाएगा। दोस्तों, आप अभी तक ये समझ चुके होंगे कि आपके फोन के ऊपर जो गोरिल्ला ग्लास या फिर ड्रैगन टेल ग्लास का प्रोटेक्शन लगा है उससे भी आपका फोन टूट सकता है, उस पे भी स्क्रैच आ सकता है, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस है, मतलब एक हद तक वो आपको प्रोटेक्ट करता है। चलिए अब जानते हैं कि मार्केट में जो डिफरेंट टाइप्स के गोरिल्ला ग्लास हैं 2, 3, 4, 5 ये क्या होते हैं। दोस्तों, जो गोरिल्ला ग्लास 2 था वो बेसिक गोरिल्ला ग्लास था, मतलब सबसे पहला वाला, वो थोड़ा सा मोटा था और वो नॉर्मल ग्लास से थोड़ा सा ज्यादा हार्ड था। उसके बाद आया गोरिल्ला ग्लास 3, ये गोरिल्ला ग्लास 2 से 20% ज्यादा थिन भी था और उससे 20% ज्यादा हल्का भी था। इन ग्लासेस के पतले होने का आपको फायदा ये मिलता है कि आपको जो टच सेंसिटिविटी मिलती है वो बहुत ही अच्छी मिलती है। उसके बाद आया गोरिल्ला ग्लास 4, ये बिल्कुल ही गोरिल्ला ग्लास 3 के सेम था, लेकिन इसमें एक नया टर्म आया, वो था ड्रॉप टेस्ट। मतलब इसने ड्रॉप टेस्ट क्लियर किया था, मतलब अगर 1 मीटर या फिर 1 से 1.2 मीटर की हाइट से आप इसे गिराते हो तो ये ग्लासेस नहीं टूटते थे। उसके बाद आया गोरिल्ला ग्लास 5, गोरिल्ला ग्लास 5 गोरिल्ला ग्लास 4 के बिल्कुल ही सेम था, लेकिन ये उससे ज्यादा
हल्का था और इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा थी। फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा आपको ये मिलता है कि आपका फोन अगर कभी गिरता है तो क्योंकि ये ग्लासेस फ्लेक्सिबल है इसीलिए ये शॉक अब्सॉर्ब कर लेता है और आपके फोन को टूटने से बचाता है। दोस्तों गोरिल्ला ग्लास के बारे में ये थी पूरी जानकारी कि ये आपके फोन को कितना प्रोटेक्शन देता है और कैसा प्रोटेक्शन देता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें। वीडियो रिलेटेड या फिर मेरे चैनल रिलेटेड आपके मन में कोई भी सुझाव हो, कोई भी सजेशन हो, आप प्लीज नीचे कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूँ।